दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार से और ऋषिकेश से केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा के लिए बस किराया कितना रहने वाला है 2023 में। दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और टेंशन जो यात्री 2023 में यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। अगर हम हरिद्वार से या ऋषिकेश से अगर अब हमारा अपना टिकट लेते हैं तो वो टिकट कितने रुपए का होगा, अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में फ़ायदा है या ऑफलाइन में फ़ायदा। दोस्तों, आज हम दोनों पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन जो लोग लग्जरी बस से यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से आप लग्जरी बस कैसे ले सकते हैं और कितने रुपये में आपको टिकट पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिन लोगों का बजट बहुत कम है और जो लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में केवल केदारनाथ यात्रा बद्रीनाथ के लिए बस लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे हरिद्वार से या ऋषिकेश से बस बुक करते हो कहाँ के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए, बद्रीनाथ यात्रा के लिए, तो आपको 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का आपको टिकट मिलेगा प्रति व्यक्ति दोस्तों। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन को सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा या ऋषिकेश पहुंचना होगा। लेकिन जिन लोगों का बजट बहुत कम है सबसे बेस्ट फायदा है कि आप हरिद्वार जाएं या ऋषिकेश पहुंचें डायरेक्ट और वहीं पर जाकर आप टिकट ले लें। जो इस टिकट का जो प्राइस है वो 550 से लेकर 600 रुपये तक आपको होगा दोस्तों, क्योंकि इस बार हरिद्वार से ऋषिकेश से जो लोग केदारनाथ यात्रा बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हैं उसमें कोई भी जो बस का जो किराया है उसमें कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाया गया दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन जिन लोगों का बजट बहुत कम है वो डायरेक्ट हरिद्वार पहुंच जाए या ऋषिकेश पहुंच जाए उसका किराया 550 से लेकर 600 रुपये तक किराया है दोस्तों। लेकिन जो लोग लग्जरी बस से यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है दोस्तों। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमें हरिद्वार ऋषिकेश से डायरेक्ट ऑफलाइन टिकट ना मिले, ऑनलाइन हम टिकट बुक कर लें, तो वो लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे रेड बस होगी, रेड वाली जो बस है उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये तक आपको टिकट मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन जो लोग बहुत सस्ते में केदारनाथ यात्रा पहुंच करना चाहते हैं वो लोग हरिद्वार पहुंच जाएं, ऋषिकेश पहुंच जाएं, 550 600 रुपये तक का टिकट आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। हर हर महादेव।